पंचकुला के सर्वेश मेहनतानी ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। प्रवेश चंडीगढ़ भवन विद्यालय का विद्यार्थी है और उसने लक्ष्य से कोचिंग प्राप्त की है। सर्वेश का रोल मॉडल इंफोसिस के कोफाउंडर नारायण मूर्ति हैं। वह आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में प्रवेश लेना चाहता है। आइए देखते हैं इस कामयाबी के बाद सर्वेश ने क्या कहा। ऐसा होता है कि एक अच्छे टॉप 10 के जोन में, मेरा हमेशा एम था कि टॉप 10 के जोन में करना है, फिर उस हिसाब से मेहनत की और फिर रैंक बना गया। आगे आपकी क्या प्लान है? अभी मैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहता हूँ। इसके लिए जो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली और कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? मोटिवेशन मतलब मेरे रोल मॉडल थे नारायण मूर्ति, जो को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस हैं, और मैं पढ़ता था अराउंड, जिस दिन क्लासेस होती हैं स्कूल भी जाना होता था तो अराउंड 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती है। इसके बाद आप आईआईटी में ज्वाइन करने के बाद आपका क्या फ्यूचर है? अभी तो ऐसा कोई स्पेशल प्लान नहीं है, तो अभी जैसे आईआईटी जाएंगे तो आगे फील्ड्स काफ़ी पता लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आगे देखते हैं क्या करता हूँ। तो कितने घंटे आप जो है स्टडी करते थे और उसके साथ बाकी एक्टिविटीज का आपका क्या? अपनी जैसे अगर कभी स्ट्रेस्ड फील हुआ तो गाने सुन लो या फिर थोड़ा टीवी देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं देखना होता, और अराउंड 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी होती है, अगर छुट्टियाँ तो 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी होगी। आपके फादर मदर ने आपको इसमें फादर मदर का पूरे 2 साल काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि उस सपोर्ट के बिना आप कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वेश की इस कामयाबी के बाद परिवार में और दोस्तों में खुशी का माहौल है। सर्वेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह पहले नंबर पर आ जाएगा, उसका निशाना पहले 10 में आने का था। सर्वेश स्कूल लगने के दिन प्रतिदिन 5 से 6 घंटे और छुट्टी के दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। बोरियत होने पर वह थोड़ी देर टीवी देखता या गाने सुनता था। सर्वेश के माता पिता का कहना है कि उनको कभी भी उसे पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वह खुद जिम्मेवारी से अपनी पढ़ाई करता था। फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बस आगे अब फिलहाल तो मतलब उसने तो यही आईआईटी बॉम्बे जाएगा कंप्यूटर साइंस में, आगे का फिर वहीं पर से उनके जो टीचर्स मिलेंगे वहाँ पर बहुत गाइड मिलेंगे बताने के लिए उसको, फिर वहाँ जी नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस वो जैसे टीचर्स कहते थे उस हिसाब से करता था, अपने उसके वही सब जो भी इंस्ट्रक्टर हैं उसे गाइड हैं वही करते थे सब। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि वो हमारा बेटा है, उसने इतना अच्छा अचीव किया है, बढ़िया किया, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर सभी बच्चे इसी तरह से अपने काम में फोकस रहें, किसी तरह की टेंशन ना लें, कूल रह करके, तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है। वो मतलब 6-7 घंटे पढ़ता था, और जैसे टीवी खाना खाने के टाइम 10-1 मिनट उसने देखना, वो भी कार्टून नेटवर्क देखना, और मोबाइल वगैरह का कोई यूज़ नहीं करता था वो, मतलब उसने दूसरा छोटा फ़ोन था जिसमें बस सुनने के लिए, वो भी घर ही छोड़ जाता था वो देखेंगे तो। सर ऐसा था कि मतलब अच्छा रैंक आ जाएगा, पर ये इतना सब मिलेगा ये सब उम्मीद मतलब। क्या ये कह सकते हैं आपका सपना पूरा हुआ? हाँ जी बिल्कुल पूरा हो गया है, ये तो पूरा हुआ है, और जो ये लाइफ का ये सबसे अच्छा दिन है मेरे लिए आज, जो मेरे बेटे ने ये जो अचीव किया है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। Thank you.
सर एक मिनट, अरे एक मिनट के लिए आ जाओ ना, हमसे क्या बात करें।